हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आज से सैटरडे है, तो मैं आराम से अपना उठा 7, 7:30, 8 बजे तक मैं उठा। और उठा मतलब क्या, बेड में ही था, लेटा हुआ था। तो अभी फ़िलहाल जैसे कि मेरे को लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही था, मेरे को जाना था कहीं और ये NGO के काम से, कल रात को भी नहीं जा पाया, तो मैं अभी जा रहा हूँ। फ़िलहाल धूप तो है पर उतना ही अच्छा हवा चल रहा है। अराउंड यहाँ से मेरे को आधा घंटा लगेगा लोकेशन में जाने के लिए। इवेंट नहीं है आज, कुछ NGO का काम है तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो फटाफट चलते हैं और अपना काम निपटाते हैं। और उसी रास्ते में मेरा वो जो निकेत है ना, उसका भी एक काम है। मैं बोला जब मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ तो उसका वो काम भी कर लेंगे। बस चलते हैं। और कल मेरे को एक और जगह जाना है तो अपने बैट को रिपेयर वगैरह करवाने के लिए, तो वहाँ पर भी चलेंगे। तो गाइस एक काम तो हो गया है मेरा, तो काफ़ी धूप है, पूरा पसीना से मैं भीग गया हूँ। तो अभी एक दूसरे और काम के लिए जा रहा हूँ, वो बुक्स वगैरह के लिए। काफ़ी धूप है, जो मेरा कपड़ा वगैरह लेना था ना तो वो तो मैं ले लिया हूँ। जाता हूँ बुक्स के दुकान में, यहाँ से पास में ही है, तो मैं सोचा कि पैदल ही निकल जाता हूँ, बस पैदल निकल गया मैं। चलते हैं फटाफट और वो काम भी निपटाते हैं। उससे पहले मैं एक जूस खरीदूँगा यार, बहुत प्यास लग रहा है मेरे को, जूस पीऊँगा मैं पहले। वहाँ से काम करके आ गया हूँ, बुक्स लेने गया था तो बुक्स भी नहीं मिला, क्योंकि बोले बहुत केजी का बुक्स था ना, तो वो भी नहीं मिला। मैं बोला ऑर्डर दे देता हूँ तो बोले वो भी नहीं होगा। अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ, हमारे ऊपर में जो फ्लैट है ना, ऊपर में जो घर है ना, उसमें 2-3 खिड़की में कांच नहीं है, तो वो मिस्त्री को लेने के लिए जा रहा हूँ मैं। तो पापा स्कूटी लेकर आए हैं तो मैं स्कूटी से जा रहा हूँ, हेलमेट वगैरह ले लिया हूँ, लाइसेंस मेरा बन गया है, ठीक है, लर्नर लाइसेंस है मेरे पास, तो अभी 6 महीने तक मैं चला सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं, काफ़ी धूप है पर काम करना पड़ेगा। तो गाइस दोपहर को वहाँ से आके मैं सीधा सो गया था, मेरे को बहुत नींद आ रहा था, धूप से मैं आया था ना बाहर से, तो सोया। उसके बाद कल मेरा NGO का इवेंट है तो मैं तो अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पा रहा, क्योंकि कल मम्मी कन्या पूजा करवाएगी, तो 10:30 बजे टाइम है इवेंट का और मेरे घर में ही 11-12 बज जाएंगे। तो जिस चीज़ का इवेंट है उस चीज़ को देने के लिए आया था मैं साजिद भाई के घर। ये साजिद भाई का घर है और वो नमन का घर है, तो साजिद भाई को दे दिया मैं। तो ये कल मैं नहीं आ रहा ना, तो जो भी देना वगैरह है कल साजिद भाई दे देंगे। मैंने तीर्थारे गया था जो लेने के लिए वो भी दे दिया, और जो मेरा है वो भी मैं दे दिया, क्योंकि साजिद भाई जा रहे हैं इसलिए। अभी फ़िलहाल मेरे को जाना है अपना सूट सिलवाने के लिए, तो उसके मतलब मेजरमेंट वगैरह देने के लिए मेरे को जाना है। मेरे पापा के साथ जाऊंगा सूट सिलवाने के लिए, उसके बाद फिर शायद आज के घर जाऊंगा या फिर नहीं भी जा सकता मैं। लो ऑन कर दिया वीडियो, बताओ क्या बोलना है। मैं बताई उसका दांत टूट गया है। टीवी में भी एक चीज देख रही है हा? तो उसका दांत टूट गया है, तो बोलिए मोहित भी अपना दांत दिखाओ, तुम अपना दांत दिखाओ, मेरा भी अच्छा है। बोलती है मोहित भाई वीडियो बनाओ, वीडियो वीडियो। मेरा दांत तो साफ है। मेरा दांत भी साफ है। मैं रोज ब्रश करूंगी। क्या तुम रोज ब्रश करोगी? हाँ। इसका एग्जाम चल रहा है अभी। हाँ मेरा भी एग्जाम चल रहा है। तुम्हारा ही एग्जाम चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है। हाँ मेरा भी चल रहा है, सॉरी मेरा भी चल रहा है। सुनो ना, वो दीवार वहाँ पे कौन छेद किया है? सुनो सुनो, कौन छेद किया वहाँ पे दीवार? क्या पता, तो पापा को मैं बोलूँगा। हाँ क्या पता, क्या पता? मैं नहीं किया, तुम कियो, दीवार छेद कर दिया। पता नहीं उंगली से कैसे क्या किया जो दीवार छेद कर दिया ये। तब भी भाई क्या मतलब, इतना बड़ा छेद कर दिया दीवार में। अब दिखाता हूँ,
अब दिखाता हूँ आपको कितना बड़ा छेद किया वो दीवार में। ये देखो ये वाला जो है ना ये एक ही है, पता नहीं क्या करती है, कितना नाखून ने जो दिवाली छेद कर दी पूरा। वाह बेटे मौज कर दी है, उतना बड़ा छेद कैसे हो गया? इसलिए नहीं काट रहे तो दीवार छेद कर दी। तो अच्छा हुआ मेरे घर में पूरा टाइल्स वगैरह लगा हुआ है इतने नीचे, नहीं तो मेरा घर भी छेद होता, टाइल्स तो छेद कर पाएगी नहीं है। तो गाइस कल रात ब्लॉग एडिट करके मैं 2 बजे के करीब सो गया था, तो फिर इस ब्लॉग एडिट करता हूँ, मिलते कल नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी, लेट्स रॉक, जय हिंद जय भारत।